प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली की पहली संध्या पर यानी कि आज पहली बार दीपोत्सव में वो शामिल होंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री भगवान राम की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ ही भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के अयोध्या पहुंचने की तैयारियां जमकर की जा रही हैं। दीपोत्सव को लेकर लोगों में भी उत्साह नजर आ रहा है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या बिल्कुल सजकर तैयार है और आज प्रधानमंत्री पहली बार दीपोत्सव में शामिल होने के लिए इसी राम कथा पार्क में आएंगे। यहां पर श्री राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। अयोध्या में लगभग 3 घंटे प्रधानमंत्री रुकने वाले हैं और रामलला के दर्शन करने के बाद और राम परिसर में कार्य की समीक्षा करने के बाद प्रधानमंत्री इसी रामकथा पार्क में आएंगे, जहाँ पर मंच बिल्कुल तैयार कर लिया गया है। मंच पर 6 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। मंच के आसपास फूलों से सजावट की गई और बताइए जा रहा कि दूर दूर से कलाकारों को यहां पर बुलाया गया और ये सजावट की गई है। मंच पर उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा योगी आदित्यनाथ होंगे, इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, साथ ही जो विदेशी मेहमान हैं वो भी मंच पर नजर आएंगे और इस धार्मिक आयोजन के साक्षी बनेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों में आज प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। राम जन्मभूमि में पहुंचकर पहले रामलला के दर्शन, उसके बाद मंदिर निर्माण की समीक्षा और फिर रामकथा पार्क में यहाँ पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और जो साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री वशिष्ठ की भूमिका में यहाँ पर नजर आएंगे। जो पुराण है उनके हिसाब से जब भगवान राम का आगमन हुआ था, जब राज्याभिषेक भगवान राम का हुआ था, तब वशिष्ठ ने ये बताया था कि कैसे अयोध्या को सजाया जाए और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से राज्याभिषेक उनका किया जाए, कैसे सजाया जाए, इसको लेकर यहाँ पर तैयारियाँ कर ली गई हैं। तैयारियाँ ही तैयारियाँ इस वक्त हर तरफ हैं और साथ ही मंच के सामने ये वाला जो स्थान है ये VIP लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। यहाँ पर VIP लोग बैठेंगे और सीधे देख सकेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री राज्याभिषेक करते हैं और श्री राम की पोशाक में जो भी यहाँ पर कलाकार होंगे उनका तिलक करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। देखिए, शिला पूजन के बाद लगभग 2.25 साल बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर अयोध्या आ रहे हैं, तो ये मौका खास है, पहली बार दीपोत्सव में शामिल हो रहे। साथ ही योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का ये पहला दीपोत्सव है और इसलिए अयोध्या को ऐसे सजाया गया है, ऐसे संवारा गया है जैसी आज से पहले अयोध्या कभी भी दिखाई नहीं दी। कैमरा पर्सन संजय के साथ रोमिता तिवारी, अयोध्या। रामलला की नगरी जगमगा उठेगी। भगवान रामलला से जुड़े जितने भी किरदार हैं वो बाहर आएंगे। भगवान राम के दीपोत्सव का आगाज कुछ दिन पहले ही हो गया था लेकिन आज उसका समापन होगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो वहीं झांकियों को लेकर के झांकियों की तैयारियां शुरू हो गई। आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से सभी अनेक प्रकार की 16 झांकियाँ बनाई गई हैं और उन झांकियों पर अनेक प्रकार के चित्रण किए गए हैं। अगर बात किया जाए रामनगरी की तो पूरी रामनगरी राममय हो गई है। भगवान श्री राम की नगरी है जिसको लेकर के साधु संतों में भी काफी उत्साह, यहाँ के लोगों में उत्साह है। लेकिन जो झांकियां वो साकेत महाविद्यालय तक आनी थी उनका आने का क्रम शुरू हो गया है। आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से एक कतार में लगी हैं 16 झांकियां। इन 16 झांकियों पर तरह तरह के चित्रण किए गए हैं, तरह तरह के नाम दिए गए हैं। ये भगवान श्री राम की नगरी है और इस राम की नगरी को एक अलौकिक बनाने के लिए लगातार सरकार अथक प्रयास कर रही है, जिसका परिणाम आज उभर कर आया है कि भगवान राम की नगरी में ये भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है और वे आयोजन कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सफल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवान राम हैं, सबरी माता हैं, लक्ष्मण जी हैं, ये कलाकृतियां देखकर ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यही वजह है कि अयोध्या का जो दीपोत्सव है भव्य है। आप वहाँ देख सकते हैं कि राम के किरदार में, सीता माता के किरदार में लोग हैं, बने हुए हैं। वो अगर बात किया जाए अयोध्या की तो अयोध्या में भी काफ़ी उत्साह है और लोगों में काफ़ी खुशी है, जिसको लेकर अयोध्या एक बार फिर की अयोध्या बनेगी। और अयोध्या आज शाम यानी शाम जब देश को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, रामलला में पहला दीपक जला करके दीपोत्सव का आगाज करेंगे, तो वहीं अयोध्या पूरी दुल्हन की तरह सज संवर कर तैयार हो जाएगी। अयोध्या से न्यूज़ स्टेट के लिए अखंड प्रताप सिंह।